इंडिया में 44 AMCs हैं और आज हम एक ऐसे ही AMC की बात करेंगे जो है सुंदरम म्यूचुअल फंड। सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 34,000 करोड़ से भी ज्यादा है। फंड 28 स्कीम्स को मैनेज करता है और इसमें 33 लाख इन्वेस्टर्स से भी ज्यादा है। आज हम आपको इस फंड हाउस के 3 फंड्स के फीचर्स के बारे में बताएंगे, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड्स आपके लिए सही है या नहीं। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। सुंदरम म्यूचुअल फंड हाउस के 3 पॉपुलर फंड्स हैं, सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड, सुंदरम स्मॉल कैप फंड और सुंदरम मिड कैप फंड। अब एक एक करके इन सारी कैटेगरीज को समझते हैं। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड। बैलेंस एडवांटेज फंड्स म्यूचुअल फंड्स की एक सब कैटेगरी है जहां पर फंड मैनेजर्स इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फंड्स की एलोकेशंस एज पर मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती हैं और इन फंड्स के लिए आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल का है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2010 में हुआ था और इस फंड ने 9.98% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। पिछले एक साल में फंड ने 6.07% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन बाकी ईयर्स में फंड ने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। फंड ने पिछले 3 साल में 14.68%, 5 साल में 9.56% और 7 साल में 9.23% के रिटर्न्स दिए हैं। अब सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड की स्टॉक एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। फंड के एसेट 72 स्टॉक्स में एलोकेटेड हैं। सबसे ज़्यादा एलोकेशन HDFC बैंक में है एट 7.74%, ICICI बैंक में 5.3% और इन्फोसिस में 5.11%। टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 38.54% है। अब इस फंड की सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड 16 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में एलोकेटेड है विद 20.1% एंड टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स जिनका वेटेज 31.02% है। ये तो था फंड के सेक्टर एलोकेशन के बारे में। फंड का प्राइस टू बुक रेशियो है 3.13 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 21.42। अब इस फंड के फीचर्स देखते हैं। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31st August 2022 1604 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.09% है। सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज की है। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज है। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 25% से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हमारा नेक्स्ट फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक सब कैटेगरी है जिसमें फंड्स अपना पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में लगाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में टॉप 250 कंपनीज के बाद में रैंक करती हैं। ये कंपनीज जनरली नई और साइज में छोटी होती हैं जिस वजह से इनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा रहता है बट एट द सेम टाइम रिस्क भी ज़्यादा रहता है। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखते हैं। सुंदरम स्मॉल कैप फंड का इंसेप्शन फरवरी 2005 में हुआ था और तब से इस फंड ने 17.04% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने ऑलमोस्ट हर पीरियड में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया है। पिछले 3 साल में फंड ने 30.81% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं 5 साल में 10.3%, 7 साल में 13.4% और 10 साल में 18.09% के रिटर्न्स दिए हैं। सुंदरम स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर बात करें, एज ऑफ 31st August 2022 इस फंड ने 47.6% एसेट स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स के अलावा इस फंड ने मिड कैप स्टॉक्स में भी अपना पैसा एलोकेट किया है। मिड कैप स्टॉक्स में 42.33% इन्वेस्टेड है। अब हम सुंदरम स्मॉल कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। सुंदरम स्मॉल कैप फंड 13 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी और इनकी टोटल वेटेज 40.23% है। इस फंड के स्टॉक्स की वेटेज, कंसंट्रेशन और वैल्यूएशंस को देखते हैं।
फंड में 76 स्टॉक्स हैं और इनके टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 25.16% है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.86 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.05 है। अब देखते हैं इस फंड के फीचर्स को। सुंदरम स्मॉल कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑफ 31st अगस्त 2022 2043 करोड़ थे और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.11% है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ की होनी चाहिए। इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट भी 100 रुपीज़ है। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 25% से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के एक साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। आइडियली स्मॉल कैप फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल तक का है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं जिससे आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड भी बड़ा होना चाहिए। आज की कैटेगरी में हमारा लास्ट फंड है सुंदरम मिड कैप फंड। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से लेकर 250 के बीच में रैंक करती हैं। सुंदरम मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में और बाकी मिड कैप फंड्स में तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 साल का हो। सबसे पहले सुंदरम मिड कैप फंड के पास रिटर्न्स को देखते हैं। फंड का इंसेप्शन जुलाई 2002 में हुआ था एंड सिंस इंसेप्शन फंड ने 24.15% के एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म किया है। 3 साल में 22.56%, 5 साल में 9.68%, 7 साल में 12.78% और 10 साल में 17.63% के रिटर्न्स दिए हैं। अब सुंदरम मिड कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन पर एक नज़र डालते हैं। सुंदरम मिड कैप फंड के एसेट्स 15 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 23.73% एंड टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स और ऑटोमोबाइल, जिनकी वेटेज 43.32% है। फंड में 66 स्टॉक्स हैं और टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज 28.21% है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो 3.54 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.15 है। अब इस फंड के फीचर्स देखते हैं। सुंदरम मिड कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM एज ऑफ 31st अगस्त 2022 7,514 करोड़ था और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.85% है। सुंदरम मिड कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज़ है एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो भी मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों में से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 25% से ज़्यादा यूनिट्स को परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज के एक साल के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इन तीनों ही फंड्स पर होने वाले एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड्स अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं तो इन पर जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा विच इज़ एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होंगे तब। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड्स आपके लिए सही रहेंगे तो अभी हमें WhatsApp मैसेज करें 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप जेड फंड्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.